वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी साक्षी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ फेशियल रेजर को कैसे यूज़ करना है वो शेयर करने वाली हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं पहली बार अपने फेस को शेव कर रही हूँ, तो आपको दिख रहा है कितने ज़्यादा हेयर हैं। मेरा फेस बहुत ज़्यादा हेयरी है, कैमरा कैच कर रहा है बहुत अच्छे से, तो आपको दिख रहा होगा मेरे पूरे फेस पे हेयर है। तो ये है टिंकल के रेज़र और ये इस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं। आपको एक सेट में तीन रेज़र्स मिलते हैं, तो ये इस तरीके रेज़र्स हैं। ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और मैंने जो इनका रिव्यू है वो देखा था, अमेज़न पे रेटिंग्स देखी थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो आपको कभी भी जब आप अपने फेस को शेव करोगे, उससे पहले आपको आपका फेस वॉश करना है और कुछ भी लगाना है। जैसे या तो आप ऑयल लगा सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो, तो मैंने एलोवेरा जेल लगाया और मैं इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूज़ कर रही हूँ। और आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि इसमें ब्लेड होता है और आप डायरेक्ट फेस पे यूज़ कर रहे हो, तो आपको बहुत केयरफुली करना है। और जिस तरीके से आपके हेयर की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आपको इसको शेव करना है। तो मेरे हेयर की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं इस तरीके से, तो आप तो दिख सकते हैं इसमें कुछ कुछ हेयर्स आए हैं। तो अब मैंने एक साइड पूरा शेव कर लिया है। मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। आप इस तरफ देखिए कितने ज़्यादा हेयर हैं और इस तरफ देखिए ऑलमोस्ट सारे हट चुके हैं। अब मैं अपने अपर लिप के जो हेयर हैं उनको रिमूव कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही करना है, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो मैं आपको ओवरऑल अगर मैं इन रेज़र्स की बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मैं ज़्यादा अच्छे नहीं बोलूँगी। और मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि आप बहुत जल्दी जल्दी रेज़र को यूज़ करिए, जब आपको लगता है बहुत ज़्यादा नीड है तो ही यूज़ करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा फेस पे वैक्सिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें करानी होती हैं। तो मेरे को यूज़ करना था, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को, कंटेंट क्रिएटर को यूज़ करते हुए देखा था, तो इसीलिए मेरे को भी एक इसको ट्राई देना था। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इधर के हेयर देखिए, आपको दिख रहे होंगे हेयर निकलते हुए। और फेशियल हेयर जब हम रिमूव करते हैं तो हमारी हेयर्स के साथ साथ हमारी जो डेड स्किन होती है वो भी निकलती है। तो इससे क्या होता है, आपका स्किन थोड़ा क्लियर भी दिखने लग जाता है। और ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने फेस को क्लीन कर रहे हो तो उसके साथ आपकी डेड स्किन भी निकलेगी, तो आपकी स्किन क्लियर लगने लग जाएगी। तो सेम इसके साथ भी होता है, लेकिन आपको हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही यूज़ करना है। तो इस तरीके से मैंने अपने फेस को शेप कर लिया था। अब बात करते हैं फॉरहेड की, तो आपको फॉरहेड पे भी अप्लाई करना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। और आपको इस डायरेक्शन में यूज़ करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, क्योंकि फॉरहेड के जो हेयर की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। जैसे जैसे हेयर की डायरेक्शन है वैसे वैसे आपको करना है, बहुत ध्यान से करना है आईब्रोज़ के पास, ऐसा ना हो कि आपके आईब्रो उड़ जाएँ, तो बहुत ध्यान से करना है। मैं भी बहुत स्लोली, आपको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा स्लोली स्लोली अपने हेयर को रिमूव कर रही थी। तो आपको दिख रहा होगा हेयर रिमूव होते हुए, तो इस तरीके से करना है आपको। उसके बाद ये इतना सारा निकला था, उसके बाद आपको इसको सैनिटाइज़ करना है और अच्छे से कवर करके रख देना है। उसके बाद आपको करना है अपने फेस पे अप्लाई टोनर। तो आपको दिख रहा है मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर हो गई है, तो मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ प्लम का। और उसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। मैं यहाँ अप्लाई करूँगी ये रोज़ हिप का सिरम और इसका मैं एक पंप ले रही हूँ। इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, जिससे हाइड्रेट हो जाए, कोई भी मेरे फेस पे इरिटेशन एक्ने वगैरह ना हो, क्योंकि आपको स्किन प्रोटेक्ट भी करनी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।